सांप है यहाँ पे, वो कर, सापा दे। सापा पीछे पीछे चला। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 3:30 हो रहे हैं। पिछली वीडियो आपने देखी है मेरी, तो मैं हमारे पुराना जो नया मकान है वहाँ पे एक स्नेक आया हुआ है, जो कि बताया जा रहा है कि कोबरा है, नाग। तो हम गए थे देखने के लिए, आपने पिछली वीडियो भी देखी, तो हमें कुछ नहीं मिला। तो आज आए थे शटरिंग वाले, जो कि लेंटर की शटरिंग जो है ना वो ताड़ने आए थे, तो उन्होंने भी आज स्नेक देखा है उसी रूम में, जिस रूम में हमारे शक था ना किस रूम में हो सकता है, तो उसी रूम में स्नेक मौजूद है और उसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे मैंने कहा था कि इस जगह पे हो सकता है। तो अभी तो फिलहाल उन्होंने मारा नहीं है, तो उन्होंने वहाँ पे ईंटें वगैरह फेंक दी हैं। तो अभी मैं और नवीद भाई दोबारा जाएंगे और वहाँ पे जो है स्नेक को इंशाल्लाह निकालेंगे बाहर, और कोशिश करेंगे कि इस व्लॉग में वो स्नेक को दिखाए कौन सा स्नेक था। तो ये मेरा हुलिया आप देख रहे हैं, तो बस आप ये हुलिया देख आप समझ आइए आज कुछ स्पेशल होने वाला है। तो आज काफ़ी ज़्यादा स्पेशल व्लॉग है, तो इस वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को अभी से लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि अभी मैं नया क्रिएटर हूँ, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। तो अभी चलते हैं, फिलहाल नवीद भाई को मैंने बता दिया कि स्नेक वहाँ पर मौजूद है, तो वो कह रहे ठीक है आज चलते हैं। लेकिन उन्हें मैंने ये नहीं बताया कि आज कुछ स्पेशल काम होने वाला है, जो मेरे हुलिया अभी आपने भी पूरा नहीं देखा और नवीद भाई ने भी नहीं देखा, तो वो भी आएंगे। तो इंशाल्लाह चलते हैं। तो स्पीकर आज फिर चार्जिंग पे लगाया हुआ है, आज फिर वही टूट गए, दो चार टूट गए हैं, तो टूट गए वही नहीं है, न्यू टूट गए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे पिछली वीडियो में कि आपने ये वाला काम नहीं किया, तो ये वाला काम करके देखो, शायद शायद स्नेक सामने आ जाए। तो जो दूसरी आई थी ना सलाम नाला नूहिन फिल आलमीन, वो ठीक आया था। तो अगर कभी ऐसा कोई बकवा हो तो आप पढ़ सकते हैं। तो अभी ये भी साथ लेके चलते हैं और थोड़ा दो की चीज़ें, एक दो चीज़ें हो रहा है वो भी साथ लेके चलते हैं। फिलहाल स्पीकर मैंने चार्जिंग पे लगाया था, इसे उतार लेते हैं चार्जिंग से। और एक ये पानी वाली बोतल है, तो ये साथ लेके जा रहा हूँ शावर वाली। तो ये भी बताता हूँ क्या चीज़ है, ये वीडियो पूरी देखिएगा बस। नवीद भाई भी आ गए, तो अभी चलते हैं मकान की तरफ। और अली से ना टॉर्च लाइट पता करनी है, वो भी पता कर लेते हैं। पहले हम जो टॉर्च लाइट लेके गए थे ना, तो वो थोड़ी सी है पॉइंटिंग वाली है, कह रहे कि लेजर लाइट जैसी, तो हमें थोड़ी चाहिए जो फैले, तो अली के पास है, तो वो अभी लेके चलते हैं और अली से लेते हैं। टॉर्च भी अली से मैंने ले ली है। तो नवीद भाई भाई क्या करने जा रहा है शाम मारने? तो बंदा ढांक थोड़ा चुके, तो बिगड़ चुके हैं वो। नहीं तुम्हें आइडिया तुम्हें भी नहीं पता ना, मैं जाके बताऊंगा करना क्या। अभी हम आ गए हैं अपने मकान पे, तो यहाँ पे जो शटरिंग थी ना यहाँ पे बस लगी हुई है, बाकी जो है उतार दी गई है तकरीबन सारी। तो अभी जो स्नेक है ना, तो अभी बताया गया है कि वो उसी रूम में है, तो कह रहे हैं वहाँ पे ना इन्होंने ईंटें फेंक रही हैं, तो वो सामने में नहीं लाइट मार, उधर उधर मार पीछे नहीं ना उधर लाइट लाइट तो मारी तरह, तो इस जगह पर कह रहे हैं कि स्नेक है, तो उन्होंने यहाँ पर ईंटें वगैरह फेंक दी। अभी रूम एक मतलब सारा क्लियर कर लेना, अभी इस जगह पे यहाँ सांप होगा क्योंकि यहाँ पे ईंटें काफ़ी ज़्यादा फेंकी हुई हैं, और यहाँ फिर इस जगह पे होगा, तो यहाँ पे भी इन्होंने ईंटें मैं रखा फेंकी हुई हैं, तो मैं और भी देख लूँ कहीं और तो नहीं है सुराख वगैरह यहाँ पे सांप हो सके। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ से आवाज़ें वगैरह आ रही हैं, मुझे लग रहा है जैसे ना यहाँ से आवाज़ें आ रही थी। अभी ये ईंटें उठाते हैं यहाँ से, और तो कोई नहीं ना आया यहाँ, ये वाशरूम तकरीबन क्लियर है सारा, एक मतलब फिर क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, या ये जगह है या ये जगह, अब ईंटें उठानी पड़ेगी यहाँ से। हम इधरली साइड से देखा कि इधरली साइड से भी इधर ही बढ़िया हूँ, अब इटा चकन लग गया अज कर दे कुछ ज्यादा। सांप है यहाँ पे, चुप कर सांपा, वो दे सांपा पीछे पीछे बेचारा, नहीं नहीं डड्डू आ हैं, मेंढक मेंढक नागा मेंढक,
मेंढक ड्राई दिया था मेंढक है ओ ये देखना मेंढक है मेन इटा तो आई ना जी सारी जो है ना वो हमने उठा ली तो यहाँ पे तो कोई चीज़ है ही नहीं है यहाँ पे सुराख ही तो नहीं जैसे हम छोड़ के गए थे तो वैसा ही है आराम ऊपर मार तू गए थे अभी अभी यहाँ पे आए हुए तकरीबन घंटा आधा घंटा हो गया तो यहाँ से हमने मिट्टी भी है ना जो वो खोद के बाहर निकाल दी पता नहीं आपको नज़र आ रही है कि नहीं आ रही तो ये मिट्टी भी खोद के बाहर निकाल दी तो कोई चीज़ यहाँ पे नहीं नज़र आ रही और कह रहे हैं कि यहीं पे सांप है तो हमें तो नहीं समझ आ रही सांप कहाँ पर ना उसकी वो कह रहे हैं बिल जो है वो मिली हमें कोई चीज़ नहीं यहाँ पर नज़र आ रही तो अभी जो है ना वो दो फार्मूले जो मैं साथ लेके आया तो वो लगाने वाले रह गए तो अभी वही फार्मूले लगाते हैं एक तो ये पड़ा है तो ये है और एक दूसरा स्पीकर पहले स्पीकर वाला लगाएंगे तो फिर ये वाला आखिरी फार्मूला है जो कि लगा के हम चले जाएंगे और बताएंगे बताऊंगा मैं ये कौन सा फार्मूला है कौन सी ये ना इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फार्मूला है तो वो भी लगाते हैं सारे फार्मूले रेडी स्पीकर ऑन कर दो अभी इस स्पीकर को रख देते हैं इसके करीब बताया जा रहा है सांप यहाँ पे तो स्पीकर रख देते हैं यहाँ पे अभी जो है म्यूज़िक हमने ऑन करना है चलो म्यूज़िक ऑन कर दो नवी भाई कैसा लगा मेरा नागन डांस तो ये आइडिया भी मुझे कहीं से मिला था तो वो कह रहे थे कि ये काम नहीं किया अगर ये काम किया तो फिर सांप निकला तो अभी भी सांप नहीं निकला तो काफ़ी ज़्यादा हमने वहाँ पे गड़ा बना दिया तो अभी लास्ट फार्मूला ये वाला रह गया तो ये अम्मी जी ने पढ़ के दिए सूरत रहमान 7 मरतबा पानी में तो कह रहे हैं कि ये सारे घर में ना छिड़का दो पानी तो अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसी वैसी चीज़ हुई तो वो फिर यहाँ से चली जाएगी जो भी सूरत हाल होगी तो वो फिलहाल अभी ये पानी छिड़का देते हैं तो फर्स्ट तो मैं यहाँ पे छिड़काऊँगा क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है उन्हें सांप तो यहाँ पे अच्छे तरीके से पानी का छिड़काव कर देते हैं अच्छे तरीके से गए तो अभी मैं यहाँ पे पानी छिड़कता रहता तो मुझे आई है काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी खुशबू तो मैंने समझा या तो यहाँ पे मिस्त्री है या फिर नवी भाई ने खुशबू लगाई होगी क्योंकि पहले तो नवी भाई से आ नहीं रही थी मैंने बाहर जाकर देखा है बाहर कोई ऐसा बंदा भी नहीं है कि जिसने खुशबू लगाई हो ना नवी भाई ने लगाई है हवा चली है हो सकता है हवा के साथ यहाँ पर आ गई हो तो वो अलहदा बात है लेकिन यहाँ पे अभी अभी खुशबू आई तो मैंने नवी भाई को बताया तो थोड़ी सी नवी भाई ने महसूस किया तो वो अभी यहाँ पे स्मेल कर रहे हैं आ रही है खुशबू आ रही है ना तो ये काम ना ड्रोना सा हो रहा है अभी ये सूरत रहमान वाली मैंने की थी तो बाहर कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि बंदा कहे कि उसने खुशबू लगाई हो तो वो आ जाए तो और अलहदा बात है कि हवा के साथ आ गई तो अभी फ़िलहाल ये
अच्छे तरीके से वो छिड़क देते हैं। सब कुछ का करके देख लिया तो कोई सांप हमें यहाँ पे नहीं मिला, तो वापस हमने ईंटें यहीं पे फेंक दी हैं। अगर यहाँ पे सांप हुआ भी ना तो दोबारा निकल ना सके, तो इसलिए यहाँ पे ईंटें दोबारा से फेंक दी। अभी फिलहाल चलते हैं घर। तो आज हमारा मिशन था कि आज सांप ढूंढ के ही घर जाना है, लेकिन हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है तो सांप नहीं मिला। तो जिन्होंने देखा उन्होंने बताया जो टेकें लगी हुई थी ना यहाँ पे, उसके साथ वो लपेट के ऊपर चढ़ा हुआ था। तो जब उन्होंने टेकर लगाया तो वो भाग के इस तरफ आ गया। तो अभी हमने सारा जो है छान मारा आपके सामने ही है, तो कोई चीज़ हमें यहाँ पे नहीं मिली। तो फिलहाल अभी मायूसी के साथ घर जाना पड़ रहा है। अभी यही था, तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। उम्मीद है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी और नागर डांस पसंद आया होगा। तो कैसा लगा आपको आज वाला आइडिया, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।